उसमें एक लड़की है उसका एक्सपीरियंसेस बता रही थी वो क्या बता रही थी कि वो बचपन से बहुत ध्यान किया अराउंड सेवन ईयर्स एट ईयर से लेकिन जब भी वो मेडिटेशन में बैठती है ना उसका ही शव उसको दिखना शुरू होता था या उसको ना कुछ ना कुछ सपने जैसा जो चीजें जो उसको दिखना शुरू हो गया तो वो क्या किया वो डर के वो ध्यान करना स्टॉप कर दिया लेकिन पत्री सर उस टाइम पे उसको इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया और तालियां बजवाया और इतना अप्रिशिएट किया अरे उन लोगों को ध्यान उनका उस ध्यान के बाद क्या होता पता नहीं है इसलिए आपको पूरा अच्छे से नॉलेज नहीं मिला है लेकिन अभी मैं देता हूँ करके उसका पूरा क्लैरिफिकेशन दिया है ये तुम्हारा आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है तो जो भी आप देख रहे हो आपका एस का जो चीज़ें हैं और ये विजन्स जो भी आ रहे हैं आपका तड़े ओपन के ओपन हो गया है इसलिए आपको ये आया है तो वो मैं सुनते ही मुझे अच्छा ये कुछ है तो पहले वो सीनियर मास्टर को बोला था पत्री सर ने आप क्लास ले लो आप सभी लोगों को ध्यान करो फिर सभी लोगों को उसने आंखों में हाथों में हाथ डालो आंख बंद कर लो ऐसा सभी बोला था ठीक है मैं अभी अंदर बैठा हूँ डोर क्लोज किया और ध्यान में बैठ के और कुछ टाइम के बाद ना वो लाइट ऑफ कर दिया क्योंकि अगर लाइट ऑन है तो इन लोगों को पता चलेगा वो पता नहीं वो ऑटोमेटिकली ऐसा हो गया जो लाइट्स ऑफ था रूम में और मैं अकेले बैठ के ध्यान कर रहा था और मुझे दस पन दस मिनट होने के बाद पूरा रूम लाइट ऑन है ऐसा लगा नमस्कार दोस्तों पीएमसी हिंदी आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है आज हम कृष्णा जी से उनकी आत्मा की आगे की यात्रा को हम समझेंगे किस प्रकार उन्होंने ध्यान और साधना में अपने आप को और ज़्यादा आगे बढ़ाया उनके जीवन के अंदर पुस्तकों का क्या महत्व है वो कैसे लोगों तक पहुँचे तो जानते हैं उन्हीं से उन्हीं की जुबानी स्वागत है कृष्णा जी आपका कृष्णा जी जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में आपसे सुना कि पाँच मिनट ध्यान करना Mm -hmm. आप एकदम एनर्जी ले लेते हैं yes. और पाँच घंटे से लेके चाहे चौबीस घंटे तक भी ध्यान करना हो वो तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे जरूर मैम मैम मैं, मैं प्रोफेशनली मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ मतलब एक एक एमएनसी में मैं जॉब करता हूँ और सुबह से शाम तक सिक्सटीन आवर्स फिफ्टीन आवर्स ट्वेंटी मतलब कुछ चीज़ें क्रेजीली करना मुझे पसंद है मतलब सभी सपोज मैं प्रोजेक्ट लीड हूँ मेरे साथ साथ प्रोजेक्ट लीड सात आठ लोग होंगे लेकिन वो सभी लोग कितना काम करते हैं? मैं उतना लेवल का जो काम मैं लेता हूँ अगर सपोज़ सभी सौ सौ हज़ार हज़ार घंटा का अगर मैं काम लिया तो मैं दस हज़ार का घंटा का काम लेके ऐसा करता था मतलब मुझे वो शौक था इतना इंटेंसली करने का तो उस टाइम पे क्या होता है मोस्टली हम आवर्स जॉब करना पड़ता है मॉर्निंग अराउंड टेन ओ से लेके नाइट एक दो बजे तक काम करना पड़ता है और इवनिंग्स जो है ना पूरा का पूरा मीटिंग्स होता है मतलब तो पांच बजे से शुरू होता है एक मीटिंग के बाद एक मीटिंग रेगुलरली चलते रहते हैं और कभी कभी हम मीटिंग meeting, मीटिंग्स के बीच में स्वैप भी करते रहते हैं. तो एक मीटिंग से जब मैं दूसरा मीटिंग में जा रहा हूँ ना अगर एक मीटिंग में गाली सुना और दूसरी मीटिंग में जाके प्यार से नहीं बात कर सकते ना वो तो बोलते हैं कि मीन्स हम प्रोफेशनली होना है इस मीटिंग को इधर छोड़ के उस मीटिंग लेकिन माइंड है माइंड भी हमारा बॉडी में ही है कैसे छोड़े दर्द तो होता ही है अगर हमको इधर दर्द इधर कुछ लगा तो आंखों आंखों से आंसू आता है ऐसा तो हमारा माइंड में किसी हर्ट कर रहे हैं उसी माइंड को कैसे हम करें तो उस टाइम पे मैं क्या करता था अगर एक मीटिंग चल रहे हैं मीटिंग खत्म हो गया पांच मिनट पहले खत्म हो गया फिर मैं दूसरे मीटिंग में जाने से पहले सभी लोग मेरे कोलिग्स क्या करते हैं नेक्स्ट मीटिंग में क्या बात करना है उन सभी के लिए प्रिपेयर करते रहते हैं मैं उस टाइम में मैं ध्यान में बैठ लेता था पांच मिनट ऐसे पांच मिनट में ध्यान में बैठ के वो पांच मिनट में क्या होता था क्योंकि हम रेगुलरली दो घंटा तीन घंटा कभी भी ध्यान करें ना ये पांच मिनट वाला एक बहुत अच्छी सी सुपर कैप्सूल जैसा आपको वर्क करती है और जब आप वो पांच मिनट जब आप ध्यान करोगी पूरा मेरा जो सराउंडिंग सभी लोग कॉल्स में चिल्लाते रहते थे और बहुत सारी शोर मचोर होता था फिर भी मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं मैंने आंख बंद कर दिया और अच्छे से पांच मिनट ध्यान किया वहां पे थॉटलेस होने का चीज ही नहीं है। जस्ट ऑब्जर्व करता सिर्फ ऑब्जर्व कर हाँ। और मेरा आंख है ना वो फाइव मिनट्स में इतना अच्छे से वो रिलैक्स हो जाती है और आंसू भी आता है और उसके बाद अच्छे से आंसू को क्लीन करके फिर मैं नेक्स्ट मीटिंग में जाता हूं। बहुत सारे आ, मेरा क्लाइंट्स मुझे बोलते हैं कृष्णा यू स्पीक सो स्वीट तो बहुत सारे क्लाइंट्स ने ए, मुझे कमेंट किया दिया कि कृष्णा तुम बहुत अच्छे से शुरू करते हो जो कन्वर्जेशन और, और वो मीटिंग्स भी ना ऐसा मीटिंग्स के तरीके से मैं नहीं रखता अगर एक दो बार आदत हो गया ना वो लोग देन वो मीटिंग्स ऐसा जो 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 फ्रेंड्स डिस्कस कर रहे हैं वैसा ही पहले हम आपका क्या कर रहे हो आज ने ब्रेकफास्ट कैसे किया था ये सभी से शुरू होके फिर धीरे 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 वो सीरियसनेस लेके आता तो ऐसा हर, वहाँ पे मेरा ओपिनियंस भी बोलता हूँ उसका भी ओपिनियंस सुनता हूँ एक अंडरस्टैंडिंग के साथ हम जाता था लेकिन ये फाइव मिनट्स वाला जो ध्यान है ना वो मुझे बहुत हेल्प होता था और मैं बोला है ना सिक्सटीन सेवनटीन आवर्स का जो ऑन शो डायरेक्टर्स को एक्सप्लेन करना पड़ता है दो घंटा और कभी कभी बीच में हमको गुस्सा भी आता है अरे बार बार पूछ रहे ये हो नहीं रहा था कैसे करे तो इन सबको कैसे समझाए तो उस टाइम पे वो फाइव मिनट्स का जो मेडिटेशन है बहुत अच्छे से आ, आपको दोबारा से बूस्ट कर देता है तरह से। और लोग भी ना सभी लोग मुझे बोलते हैं कि कृष्णा तुम थोड़ा सा शॉर्ट टर्म हो तो लेकिन एक कॉल में इतना जो बॉम्बार्ड करता था दूसरा कॉल में आके इतना अरे उससे पहले कुछ हुआ ही नहीं है करके इतना प्रेजेंटली में फिर से नया मीटिंग शुरू करता था तो लोग मेरा साथ उस मीटिंग में है और इस मीटिंग में है जो लोग बोलता था कि तुम तो उस मीटिंग में इतना गालियां दे रहा था इतना लोगों को हार्सली बोल रहा था और इस मीटिंग में आके कैसे है इस, इसका बीच में क्या हुआ तो बीच का जो रहस्य है जो ये पांच मिनट मिनट का ध्यान है और इसमें कुछ कभी कुछ नुकसान भी हुआ है और कभी आ, अच्छा ठीक है दस मिनट का मीटिंग है करके मैंने ध्यान में एक बार ध्यान में बैठ लिया और मैंने खो गया डेढ़ घंटे के बाद उठा बाद में देखा तो वो लोग मुझे मेरा मोबाइल में कॉल कर रहा था मेरा ऑफिस में कॉल कर रहा था क्या हो गया कृष्णा ये तुम ही करते हो आज क्या हो गया आई लॉस्ट आई वॉज नॉट देयर लेकिन मुझे वो एक्सपीरियंस बहुत अल्टीमेट लगा है लेकिन वो लोग सम, समझा कि अच्छा कुछ इंटरनेट कनेक्शंस होगा या कुछ चीज़ें होगा तो तब से थोड़ा सा अलार्म लगना शुरू किया लेकिन उस दिन कोई मेरा आगे वाला भी बोल रहा था कृष्णा ने तुमको फोन आ रहा है लेकिन वो लोग सोचा कि ठीक है इसका तबीयत ठीक नहीं है थोड़ा इसलिए बैठ के सो रहा होगा करके वो सोच रहा था लेकिन वो वन एंड हाफ आवर के बाद उठने के बाद ना इतना प्लेजेंट इतना अल्टीमेट मेडिटेशन हुआ है और उस टाइम पे मास्टर साहब इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंसेस दिया है इट्स नवसर तो मैं सभी जब भी मैं ऑफिस में मेडिटेशन सिखाता हूँ या फ्रेंड्स के मेडिटेशन के बारे में जो बात करता हूँ मैं उन लोगों को सिर्फ यही यही बोलता हूँ कि पाँच मिनट ही ध्यान करना और ज़्यादा ध्यान मत करना लेकिन अगर आप मास्टर बनना है अगर आपको तड़ई का एक्सपीरियंसेस आना है एस्ट्रल ट्रैवल का एक्सपीरियंसेस आना है पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंसेस आना है अगर रोज नाइन आवर्स अगर मैं काम कर रहा हूँ तभी मुझे तंका मिल रही है सैलरी मिल रही है मतलब आप लोग ध्यान का सीरियस ही नहीं ले रहे हो एक घंटा दो घंटा पार्ट टाइम जॉब कर रहे क्या तो मेरे मन में ये था अगर आप ध्यान करो फुल डे करो इसलिए मुझे फुल डे क्लासेस करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है और सभी सोचता है ये कृष्णा बुलाता है और बिठाता है बिठाता है बिठाता है कुछ बोलता ही नहीं है क्यों बोलने एक पत्री सर ने एक बार एक, एक स्टोरी बोला था एक गुरु होता था और उसके पास बहुत सारे शिष्य है उसमें एक शिष्य बहुत अल्टीमेटली काम करता था और दूसरा शिष्य ठीक है कर रहा था उसमें ये दूसरा शिष्यों में क्या होता था जलन होता है अरे इस गुरु ने उसको बहुत ही अच्छे से दिया है हमको नहीं दे रहे तो एक शिष्य जाके पूछता था, था गुरु से गुरु जी आप उस लड़का को ना बहुत अच्छे से सिखा रहे हो उसके पास बहुत अच्छे से विद्या है बहुत सारी चीजें हैं ऐसा है क्या तो फिर गुरु सोचता है कि अच्छा ऐसा है क्या फिर उसको बुलाओ उसको जो भी मैंने जो सीक्रेट ज्ञान दिया है मैं सभी चीज़ें मैं तुमको दे दू देने को बोलूँगा पूरा उसने जो भी जो भी कमाए हैं वो पूरा मैं तुमको देने को बोलूंगा फिर वो शिष्य को बुलाते हैं उस चीज से पूछते जो मैंने तुमको क्या सिखाया ये इसको वही सिखाओ मैं तुमको जो एक्स्ट्रा सिखाया ना वो भी सिखाओ इसको फिर वो बोलते कि गुरु जी आपने कुछ नहीं सिखाया आपने मुझे जो एक पार्ट है वो सिखाया लेकिन मैं उसको कुछ हजार साल दस हजार साल में उसको प्रैक्टिस कर रहा था इसलिए मुझे ये सभी चीजें उसमें परफेक्शन आया तो वहां पे गुरु क्या बोलता है कि मैं सबको एक ही सिखाया हूँ आपको भी ध्यान करना सिखाया मुझे भी ध्यान करना सिखाया किसी और का ध्यान करना भी सिखाया लेकिन इसमें कुछ लोग हैं जो ज्यादा काम करता है उसके ऊपर उन लोगों का फ्रूट हम देख ही रहे हम बोलने का जरूरत ही नहीं है ये मास्टर है ये सीनियर मास्टर है या जूनियर मास्टर है ये सभी मास्टर ही है लेकिन जो ज्यादा ध्यान करता है जिसकी जितनी साधना है हाँ उस हिसाब से उसको राइट उसका फ्रूट मिलेगा उसका फ्रूट मिलेगा। और बहुत लोगों में भी कुछ लोग दिखने के लिए अच्छा, मतलब ज्यादा लोगों में इन, इनका नाम पता होता है लेकिन हमारा स्पिरिचुअल सोसाइटीज में ऐसा जो मास्टर्स है ट्वेंटी फोर आवर्स ध्यान कर, किया वाला मास्टर्स है वो कामली वो एनर्जी वो जहाँ पे भी जाता है ध्यान करता है उस पूरा प्लेस को एनर्जाइज कर जाता है और उधर से निकल जाता है वो कभी भी बोलता है नहीं कि मैं आके किया हूँ मैं आके कुछ ध्यान प्रचार किया हूँ लोगों का स्प्रेड किया हूँ ऐसा कुछ नहीं है एंड मैं एनर्जी वर्क के ऊपर बहुत बिलीव करता हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इतना जबरदस्त है जो एनर्जी वर्क के वजह से एक बार पत्री सर से भी हमने जब मैं दिल्ली आया इतना साल शादी हुआ और बाद में शास्त्री सर आए और शास्त्री पत्री सर ने बोला शास्त्री सर के घर जाओ उधर ही ध्यान प्रचार से शुरू करो तो हम रेगुलरली जा रहा था उसका ध्यान प्रचार हो रहा था और पहले शास्त्री सर थोड़ा सा सोचते थे कृष्णा ये करना है क्या वो करना है क्या मैं ही पत्री सर को कॉल करा कॉल करके शास्त्री सर ऐसे ऐसे सोच रहे सर करके फिर वो शास्त्री सर को दे देता था तो फोन उसके बाद शास्त्री सर धीरे धीरे पत्री सर से डायरेक्टली बात करना शुरू किया वसंता मैडम भी डायरेक्टली बात करना शुरू किया और हमने बहुत सारी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किया तो एक टाइम पे मुझे लगा कि अरे अभी शास्त्री सर तो कर रहे हर चीज और शास्त्री सर कंप्लेन भी करता था पत्री सर को ये कृष्णा बुलाया तो नहीं आता है सर कभी ओ हम उस टाइम पे तिहार जेल में रेगुलरली क्लासेस करता था उस टाइम हमको ऑफिस भी होता है या पलवी का भी कुछ उस टाइम मेट्रोज भी नहीं है तो ऐसा सिचुएशन में हम जाके ध्यान सिखाने के आ, होता था कृष्णा नहीं आ रहे सर आजकल ऐसा करके बोलता था तो ऐसे और एक बार सर ने बोला कि स्वामी जी ये आपका काम है ये कृष्णा का काम नहीं है तब से कृष्णा सर ने ऐसा बोला है तुमको रिलीज कर दिया है ऐसा हम दोनों हम दोनों के बीच में जो डिस्कशन होता था तो आ, हम उस टाइम पे बहुत शास्त्री सर हर हर प्रोग्राम सारी ऑर्गेनाइज कर रहे थे तो मैं थोड़ा सा उस टाइम मेरा प्रोफेशनल के ऊपर ध्यान देना शुरू किया था और उस टाइम अर्पिता भी आई थी तो ये दोनों एक ही टाइम पे हुआ तो उस टाइम शास्त्री सर बहुत अच्छे से प्रोग्राम्स वो सभी कर रहे थे तो मेरा कंपनी ने गुड़गांव का ब्रांच हैदराबाद में भी दूसरा एक ओपन हो रहा था और बोला कि कृष्णा मैं तुमको वहाँ पे मैनेजर बना के उधर भेज दूँगा तुम हैदराबाद से ले जाओ मैंने बोला मुझे एक दिन चाहिए बोला कि अरे कोई मैनेजर पूछेगा तुमको प्रमोशन दे दूँगा तुम वहाँ पे जाओ ये क्या है एक दिन के लिए पूछ रहा था करके वो लोग सोच रहा था मैं पत्री सर को कॉल किया और बोला कि सर ऐसा अभी हैदराबाद जाने का ऑफर आ रहा था तो आप बताइए फिर जाऊँ क्या नो साउथ इंडिया नो साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया और ए बी दिल्ली में जब तक मैं बोलूंगा तब तक तो हिलना ही मत ठीक है फिर मैंने उस टाइम मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगा फिर किसी और को भेजा किसी और को मैनेजर बनाया उसके बाद छह महीने के बाद मुझे बनाया था लेकिन वो उस टाइम पे जो था वो हम इंपॉर्टेंस एक प्रोमोशन के लिए किसी और चीज के लिए नहीं दिया सर ने बोला कि यहाँ पे वर्क होना है कृष्ण तुम रुकना है तो वो एक बात है और एक साल पहले भी मैंने पूछा था सर जाने से एक साल पहले भी सर इतना साल हो गया तो अभी बाहर कहीं और पे देखे या नहीं तो हैदराबाद ऐसा जाने का सोच रहा था ऐसा करके अभी जरूरत नहीं जब मैं बताऊंगा तब जाओ तो ही वॉन्टेड टू बी हियर मैंने देल क्योंकि ये सभी जो चीज़ें अगर तुम्हारा एनर्जी इस प्लेस के लिए ज़रूरत नहीं है या ख़त्म हो गया फिर आप वहां पे नहीं रहोगे लेकिन ज़रूरत है इसलिए वो वहाँ पे है लेकिन उसके बाद हमने एम बी पब्लिकेशन को लेके आया उसके बाद हमने रेगुलरली हमको इतना हिंदी नहीं आता था मुझे बिल्कुल नहीं आता था इतना इतना ज़्यादा अच्छा जो बुक्स लिखने जितना नहीं आता था लेकिन पल्लवी अच्छे से अडोप्ट किया है कुछ गलतियां किया है हमने लेकिन वो भी आपके साथ भी हम डिस्कस करते थे कैसा इंप्रूव करना है और एक बार सर ने बोला कि कृष्णा ये तुम्हारा लाइफ परपस है ये जो बुक्स लेके आना तब मुझे एक बार ध्यान कर रहा तो मुझे ऐसा लगा कि अभी आप सभी लोगों को राम के बारे में कृष्णा के बारे में बहुत अच्छे से पता है कैसे पता है हनुमान जी की वजह से पता है या सीता के वजह से पता है या कृष्ण का जो अर्जुन के वजह से पता है उ, उस टाइम पे जो लोग हैं वो लोगों के वजह से हमको पता नहीं है हम जो वाल्मीकि जो है जो रामायण को जो लिखा है और व्यास महर्षि जो है जो महाभारत को और कृष्ण के बारे में जो लिखा है उन चीजों के वजह से आज हम इन लोगों को अभी भी हम जान रहे उन लोगों को हम भगवान मान रहे तो मुझे ऐसा लगा कि जब सर ने बोला कि अभी ये बुक्स लेके आना ये सभी जो करना ही आपका लाइफ परपस है तो अभी पत्री सर को लाइव रखना है तो, तो हमें बुक्स बुक्स लेके आना ही है और उसने जितना भी जो कॉन्सेप्ट्स जो भी बताया है वीडियोस में है लेकिन दो घंटा वीडियो में बैठना है तो कैसा है अगर कुछ रिफर करना है तो वीडियो में बैठना वीडियो में ऐसा पीछे पीछे लेके नहीं कर सकते लेकिन वीडियोस जो है वो आपको बहुत ही अच्छे से कनेक्ट करती है लेकिन अगर आप में अंदर एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट का जो चीज है तब ये बुक्स बहुत आपको हेल्प करती है इसीलिए सर का जो 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 आइटम्स जो, जो जो मिलता है वीडियोस को वो वीडियोस को हम और ये बुक्स में हम लेके आ रहे हैं तो हम हमारा जो लाइफ पर्पस है और हमारा जो एनर्जी वर्क जो है ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो ये एनर्जी वर्क्स को ना मैं बहुत अच्छे से मानता हूं इसीलिए बहुत सारी सीनियर मास्टर्स हैं जो हमारा सोसाइटी है जो ज्यादा ध्यान करते हैं ना इमीडिएटली उनसे मैं कनेक्ट हो जाता हूँ ऑटोमेटिकली ऐसा बहुत बार देखा हूं मैं अगर जिन जिन कि जो जो लोग जो ज्यादा ध्यान कर रहे हैं ऑटोमेटिकली पता नहीं होता ऑटोमेटिक जाके उन लोगों से बात करना उन लोगों से काम के बारे में डिस्कस करना सेम एनर्जी लेवल पे आ जाते हैं तो सेम का नहीं बोलूंगा मैं सेम नहीं मतलब एनर्जी हाँ, मैच कर जाती है अरे मैं जहाँ पे हनी मिलता है वो एक बटरफ्लाई को ही पता चलता है अट्रैक्ट हो जाती है तो ऐसा जो कनेक्ट हो जाता हूँ हाँ जी हाँ जी इसलिए मैं कभी एक चीज बार बार करने में भी मुझे पसंद नहीं आता अगर एक चीज मैंने किया ठीक है वो छोड़ो कुछ दूसरा नया चीज को पकड़ो नया तरीका से कैसे इनोवेट करें। नहीं नहीं खोज करना आपको पसंद है। कृष्णा <laughs> <इस। laughs> जी जैसे कि आपने अभी बोला कि अगर हम ऑडियोस में सुन लेते हैं या वीडियोस में देख लेते हैं बुक्स में पढ़ना या बुक्स को रखना तो मुझे ऐसा लगता है कि बुक्स की भी अपनी अलग एनर्जी होती है Obviously हम जो वीडियो में देखते हैं और वो उसके अलावा बुक की अपनी एनर्जी है तो हमें बुक्स भी पढ़ते रहना चाहिए जो पति जी बोलते हैं कि स्वाध्याय बहुत ज़रूरी है right. तो बुक्स का भी होना बहुत जरूरी है uh. तो आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम है कि आप उनको अलग अलग भाषाओं में बुक्स को लेकर आ रहे हैं और बहुत अच्छी बात है अभी आपने पिछली वीडियो में एक जिक्र किया था बताया था कि कोई चंद्रशेखर जी के साथ आपकी रही रही थी, रही थी। रही तो हम उस को जानना चाहते हैं। हाँ हा। अरे वो बहुत ही अच्छा मेरा लाइफ आ, सोल प्लान करके जो होता है ना, वो वो अभी मैं इसका सोल प्लान करके जो बोल रहा हूँ उस टाइम मुझे उसका क्या नाम देना भी पता नहीं है उस टाइम मैंने वो एक्सपीरियंसेस मैंने पाया है हम वो चंद्रशेखर शर्मा जी है जहाँ पे पत्री सर सेशंस करता है उसके बाद इसका ट्रिप होता था अगर इस अगर जनवरी फर्स्ट वीक में पत्री सर आया विजयवाड़ा को उसके बाद सेकंड और थर्ड वीक्स में ये आके सभी लोगों को ध्यान कराता था तो ऐसा ही जैसे मैंने बोला था वो मेरे पापा का बहुत अच्छे से दोस्त है वो मुझे बहुत अच्छे से रिसीव भी करता था तो हम बैठ के ध्यान कर रहे थे एक बार बोला कि देखो वो बोलता है बच्चों का ना पंडु पंडू करके बोलता था तो पंडू मतलब फ्रूट है तो कल आग बंद करो अभी अभी देखो क्या होगा ऐसा करके बोलता था फिर हम उस टाइम पे ऐसे बैठ के ध्यान कर रहा था मैं एक स्वरंग में जा रहा हूँ ऐसा नीचे स्टेप्स जो दिल्ली में बहुत फेमस है जो हर घर में एक अंडरग्राउंड होता है तो ऐसा ही एक स्टेप्स करके वो स्टेप से नीचे ऐसे जा रहा था वहां पे एक, एक बड़ा शरीर से बड़ा लंबा बाल से ए, एक आ, कोई दिखा था मुझे मैंने डर के आ, साई बाबा का नाम लिया और उस टाइम पे वो बंदा चेंज होके सा बाबा का फॉर्म में आ गया तो मैंने सोचा कि अच्छा ये साई बाबा है ऐसा फॉर्म में आया ऐसा मैं उठ के मैं उन उसको शेयर किया मुझे ऐसा जो मैं अंदर गया हूँ वहाँ पे इतना बड़ा शरीर था और इतना लंबा भाल था और मैं उसको देख के डर गया और साई बाबा को याद किया तो वो साई बाबा बन गया तो मैं ऐसा एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया वो कुछ बताया नहीं मुझे हाँ वेरी गुड पंडू बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है तुमको तो करके वो अप्रिशिएट किया उसके बाद में हमने डिस्कस करना शुरू किया वो चले गए एक महीने के बाद ना उस टाइम जो पापा हर जगह पे जाके ध्यान सिखाता था, था और और उस टाइम पे जितना भी जो बुक्स है वो पूरा बहुत सारी बुक्स लेके हमारे घर में रखते थे एक कबोर्ड है वो कबोर्ड के अंदर सभी सारी बुक्स लेके उस टाइम पे पापा ने एक बुक लेके आया ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी वो बुक को पता नहीं वो रैक में रखने के टाइम पे बेड में रखा है तो मैं उस दिन में आया हॉस्टल से और वो बुक मिला और वो बुक ऐसा ओपन करते ही मैंने ओपन किया और उसमें एक महावतार बाबा जी का जो फोटो है तो जो फोटो देखते ही इमीडिएटली मेरा पूरा एसल एक्सपीरियंस मुझे वापस याद आया और मैंने सोचा कि अच्छा ये मैं उस टाइम पे ध्यान में जो देखा था वो यही था जब हम एक्चुअली हम कुछ एक्सपीरियंसेस होता है या तड़े के एक्सपीरियंसिस होता है हमको बहुत याद रहता है हम सोचते हैं कि हम भूल गए लेकिन कभी हम भूलते नहीं है लेकिन ये एक कंटिन्यूटी जो है ना अगर पांच साल पहले एक एक्सपीरियंस आया उसका रिलेटेड आपका अभी एक्सपीरियंस आया तो ये पांच साल पहले जो एक्सपीरियंस है वो रिकनेक्ट होती है तो ये है तो मैं जब वो इतना एक्साइट था तो उसका नेक्स्ट में विजिट में मैं उसको बोलना ही था करके बहुत एक्साइट हो गया मैं उस दिन अरे इसी को मैंने देखा है तब मैंने बाबा जी का मेरा पहला परिचय वो था तब मैंने वो थोड़ा सा वो आजू बाजू पेजेस का कुछ पढ़ा था मैंने तब अच्छा ये महातर बाबा जी है इसका लहरी महाशय का जो गुरु जी है जो, तो ऐसा मैंने मुझे उस बुक मैंने पूरा पढ़ा नहीं लेकिन उतना तक ही मैंने लिया है तो वो होने के बाद नेक्स्ट मंथ फिर से एक दो महीने के बाद फिर से वो मास्टर आए थे फिर से बुलाया तब मैंने उसको क्लैरिफिकेशन दिया कि आ, सर आपने आ, जो उस दिन ध्यान किया था वो साहिब बाबा नहीं था वो महातौर बाबा जी था तब उसने एक चीज लिख किया कि कृष्णा जब भी मैं ध्यान में बैठता महातौर बाबा जी आके मेरे साथ बैठता है वो मेरा भी गुरु है ही इज माई एस्टल गुरु करके उसने बताया और फिर हमने और एक सेशन किया तो अभी पूछो तुम्हारा फ्यूचर के बारे में ऐसा करके पूछा था तो हमने बैठने के बाद ना फाइव इयर्स के बाद तुम एक जगह पे जाओगे वहां पे तुम्हारे वजह से बहुत मेडिटेशन स्प्रेडिंग होगा करके बोल रहा था मैंने वो एक्सपीरियंस शेयर किया और मैंने सोचा है कि पांच साल के बाद किसको चाहिए अभी मैं ध्यान कर रहा हूँ मुझे कुछ मिराकलेस पावर्स आ जाए मैं अगर कोई आ, मतलब उस टाइम पे क्या है है ना मैं मैं अंदर मुझे पता है, मैं लड़कियों से बिल्कुल बात ही नहीं करता हूँ तो मुझे ऐसा मैं सीधा बात नहीं कर पा रहा हूँ एटलीस्ट मैं एशनली बात करूँ और <laughs> वो मुझे भी एशली अट्रैक्ट हो जाए ऐसा जो फैंटेसी जो मूवीज होता है तो ऐसा ही मैं भी सोचता था तो मैंने सोचा वो आसान हो जाएगा ये तो पांच साल के बाद मैं कहाँ पे जाना है क्योंकि उस टाइम मेरा फुल्ली कॉन्फिडेंट था मेरा इंजीनियरिंग भी मैं विजयवाड़ा में करूंगा मेरा जॉब भी मैं विजयवाड़ा में करूंगा जैसा मेरा ताऊ जी और मेरा पापा जो कर रहे थे तो तो वो जो हुई मेरा सेकंड एक्सपीरियंस जो बाबा जी के साथ mm -hmm. तो उसने मैसेज दिया पाँच साल के बाद तुम एक जगह पे जाओगे फिर उसके बाद मेरा मेरा प्लस टू कंप्लीट हो गया मैं इंजीनियरिंग के लिए मैंने चेन्नई चले गए थे चेन्नई मतलब वो तमिलनाडु में वंदवासी करके एक प्लेस है वहाँ पे मैंने इंजीनियरिंग किया और वो इंजीनियरिंग के टाइम पे क्या है बीच बीच में हम ईयर एंड पे हमको इंडस्ट्रियल टूर्स लेके जाते थे। एक बार हमको एक त्रिवेंद्रम करके एक इंडस्ट्रियल टूर में लेके गए उस इंडस्ट्रियल टूर में क्या हुआ सभी लोग बस में थे मतलब सभी लोग हम लास्ट डे थे और लास्ट डे में बस में ही बैठा था और सभी लोग एक मूवी देखने रजनीकांत का मूवी देखने चले गए अरे यार यार रजनीकांत का मूवी कौन देखेगा अभी मुझे बहुत नींद आ रही करके बस में ऐसा ध्यान करते हुए मैंने सो गया था उस टाइम दो आंके ऐसा मेरा आंखों के पास आके ऐसा बोला है कि तुम भी मूवी को जाओ ऐसा करके उठ के देखा तो कोई नहीं है आजू बाजू में ड्राइवर अपना काम कर रहा था मैंने सोचा भाई ये बस में क्या हो रहा है ये कोई आ, क्या हो रहा है करके मैं भी निकल के मैं भी मेरे फ्रेंड्स को बोला था मेरी भी टिकट ले लो मेरे भी टिकट ले लो मतलब लास्ट में हम दो तीन लोग गए थे पहले बीस पच्चीस लोग गए थे और जब ऐसा डोर ओपन करके मैं ऐसा एंट्री एंट्री मार रहा था जो स्क्रीन पे जो दो आके जो मेरा पास आके जो बुलाई है वो आके स्क्रीन में है वो आके दिखाते हुए वो बाबा जी को दिखाया और मैं इतना एक्साइट हो गया और रोंडे खड़े हो गए और उस मूवी स्टार्टिंग से एंड तक मेरे से अलावा और कोई इतना एंजॉय नहीं किया क्योंकि उसमें एसल ट्रैवल का एक्सपीरियंस है उसमें बाबा जी के बारे में है और उसमें तगड़े एक्सपीरियंसेस है जो रजनीकांत कोर जो दिखाता है तो ये सभी वो मूवी ऐसा देख रहा तो मेरा रोटे ऐसा पूरा टू आवर्स मैं ब्रेक ब्रेक में भी नहीं गए कहीं पे और सभी लोग मुझे पूछ रहे हैं तुम इतन, इतना इतना बकवास मूवी तुम कैसे एंजॉय किए हो ऐसे लेकिन वो मेरे लिए इतना एक्साइटेड मूवी था मैं और अभी तक और कोई मूवी को इतना मैंने लाइक भी नहीं एंजॉय नहीं किया, किया। mm -hmm. लेकिन वो दो आके आके जो मुझे लेके गई है वो मेरे लिए बहुत अल्टीमेट तो ये मेरा नेक्स्ट जो हुई है उसके बाद मेरा इंजीनियरिंग खत्म हो गया जब मेरा पुणे में जैसा हम ध्यान प्रचार कर रहे थे तब जब मैं दिल्ली आने के बाद ना पहले सिक्स मंथ्स में मेरा ऑफिस का काम में ही था रात रात दो तीन बजे तक हम काम करते थे और उस टाइम जब हमने मेडिटेशन सेंटर ये सभी शुरू किया ये सभी होने के बाद फिर से उसने मुझे याद दिलाया पाँच साल पहले मैं तुमको एक एक्सपीरियंस दिया था पाँच साल के बाद तुम एक जगह पे जाके तुम मेडिटेशन स्प्रेड करोगी ये ये ही ये जगह है लेकिन मैंने सोचा ठीक है मेडिटेशन स्प्रेडिंग मतलब छोटा सा एक हमने एक मेडिटेशन सेंटर लिया है और उसे थ्रू पॉम्पलेट्स बांट रहे इतना ही है मेरा काम करके मैं सोचता था लेकिन वो काम एक छोटी छोटी बूंद से एक, आज एक महासमुद्र हो गया जो दिल्ली में अभी सभी लोगों को दिल्ली पता है दिल्ली में क्या-क्या वर्क्स होता है और कैपिटल में जितना वर्क हुआ तो वो पूरा देश के लिए कितना यूज हो, जा, हो जाता है अभी हमको देखा तो हम हमको ही पता चले ये आपका जो इंद्रपुरी का सेंटर था हमारी भी यात्रा वहीं से शुरू हुई है पीएसएसएम अच्छा। के साथ डॉक्टर सौरभ रंजन के साथ कृष्णा जी जैसा कि अभी तक आपने अपना जो भी पड़ाव पार किए आपने सारे पड़ाव शुरू से ही आपका हर चीज शुरू हो गई थी ध्यान साधना भी प्रचार प्रसार भी तो पत्नी जी के आपका कांटेक्ट रहा आपने उनके साथ जो आपका कुछ अनुभव हो आप हमारे से वो साझा कीजिए पत्री सर का मेरा बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है सर मतलब बचपन में जब बच्चा था तब कभी मैंने मतलब वो सर है करके हमको पता है लेकिन आ, एक उसका सर का घर का ही बच्चा जैसे घूमता था हर जगह पे जब जहाँ पे सर है वहाँ पे हम जाते थे तो हम सभी वो किया है लेकिन जब पहली बार हमने जो सेंटर जो शुरू किया है उस टाइम क्या हुआ था मेरा दो क्रेडिट कार्ड था वो पूरा सेंटर के लिए हमने खर्च कर दिया ब्लॉक हो गया और वो क्रेडिट कार्ड वाला कॉल कर रहा था और उसी वो पत्री सर का प्रोग्राम है और जो ट्रिपल बेडरूम हमने लिया था उस उस फ्लैट में पत्री सर अंदर रूम में सो रहे थे हमने पैर दबाया और बाद में बच्चे हम लिंगा रेड्डी हम सभी हॉल बड़ा सा हॉल है वहाँ पे नीचे गद्दे डाल के हम सो रहे थे और हमें बहुत टेंस में था क्योंकि अगर मोई मुझे न कोई पैसा के लिए कॉल किया तो बहुत इरिटेट हो जाता अरे पैसा लिया तो हम दे देंगे ऐसा करके तो एक दो बार कॉल आया था कॉल सेंटर से तो मैं थोड़ा सा परेशान नहीं था तो रात को हम सो गए बीच रात में दो बजे ऐसे पत्री सर उठ के आए और मुझे उठाया और बोला कि टेंशन मत होना कल सब पैसा कल तक पैसा मिलेगा ऐसा बोल के फिर वो चले गए फिर मैं उठ के देखा तो कोई नहीं है पूरा अंधेरा था तो मैंने सोचा अच्छा सर ने बहुत अच्छे से ऐसा एक्सपीरियंस दिया मैं खुश हो गया ऐसे ही नेक्स्ट डे मेरा एक कजिन था हमारा फैमिली हमारा फैमिली मेरा कजिन था वो नोएडा में जॉब कर रहा था वो कॉल किया कॉल किया तो क्या है ऐसे नॉर्मली बात चल रहे थे और मैंने बोला मुझे पैसा का जरूरत है कितना चाहिए पचास हजार पचास हजार कृष्णा इतना, इतना क्यों है करके भी वो एक शब्द भी नहीं पूछा अच्छा ठीक है मेरे पास है मैं दे दूंगा करके वो पचास हजार दे दिया मैंने भर दिया तो उस टाइम से कभी मैंने ऐसा नहीं सोचा कि अगर कोई प्रोग्राम करना है हमको पैसा का जरूरत नहीं है अभी तक मेरा सैलरी इतना जितना लिमिटेड थे लेकिन मैं जो काम करता हूँ ना वो अनलिमिटेड थे तो वो एक्सपीरियंस में उससे पहले बहुत सारी प्रोग्राम्स किए हैं ध्यान में किया है लेकिन सभी मास्टर्स बड़े लोग होते थे तो हम उन लोगों का सपोर्ट करते थे जैसा अभी पैमा यंगस्टर्स है सभी जो सपोर्ट करते थे ऐसा करते थे लेकिन उस टाइम मैं ओनरशिप लेके जब मैं करना शुरू किया मुझे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का बहुत ही दिक्कत हुई है लेकिन जैसा जो हम कर रहे थे ऐसा पत्री सर ने आके वो एस्ट्रली वो एक्सपीरियंस दिया उसका नेक्स्ट दिन मेरा पैसा अरेंज हो गया था तो उस टाइम पे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया अरे हम कुछ भी कर सकते हैं करके वही मेरा कॉन्फिडेंस को शास्त्री सर को भी बोलता था वसंता मैडम को भी शेयर करता था तो तो हमने वो कॉन्फिडेंस के साथ ही अभी इतना जो मेडिटेशन का जो प्रोग्राम्स हमने जो ऑर्गेनाइज किया है एक है और एक एक्सपीरियंस है जब दिल्ली का इतना अच्छे से प्रोग्राम हो रहा था मैं जयपुर कभी गया नहीं तब तक ऑलमोस्ट फाइव टू सिक्स इयर्स हो गया मैं दिल्ली में रहते हुए मेरा फ्रेंड्स भी बोलता था चलेंगे जयपुर जाएंगे वहाँ पे फोर्ट्स देखेंगे ये सब ये लेकिन फोर्ट्स बीच में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है लेकिन एक बार क्या हुआ जो शास्त्री सर आ, किसी और चंडीगढ़ में एक मास्टर्स के थ्रू वहाँ पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था मतलब शास्त्री सर उस टाइम पे इतना सीनियर भी नहीं बने हैं वो भी नया नया था वो प्रोग्राम के लिए पल्लवी और शास्त्री सर ये सभी वसंता मैम सभी दिल्ली से गए है फिर वो प्रोग्राम हुआ फिर उसके बाद कोई जो प्रोग्राम जो किया वो बाद में इतना कनेक्टेड में नहीं है और उससे पहले भी कुछ एक प्रोग्राम हुआ वो भी कनेक्टेड में नहीं है तब मेरा मेडिटेशन में आया जहाँ पे पत्री सर जाता है वहां पे रेगुलरिटी क्यों नहीं हो रहा है तो हम उसको पकड़ना ही है करके तो उसको पकड़ना ही है करके मेरा था और मैंने रेगुलरली ध्यान किया मुझे रोज मेरा ऑफिस में लोगों को पूछता था अरे जयपुर से कोई है क्या अगर कोई जयपुर का बंदा है तो उसको चाय में लेके जाना उससे बात करना थोड़ा सा ध्यान के बारे में इसका टच है क्या पूछना ऐसा भी कर रहा था एक दिन अचानक से एक मैडम ने कॉल किया जयपुर से कृष्णा जी आपका नंबर ना हम गूगल में देखा है आप ध्यान सिखाते हो क्या करके तो मैंने बोला हाँ हम ध्यान सिखाते हैं तो वो रेगुलरली ध्यान कॉल करती थी ऑफिस के टाइम पे मैं भी मेरा कुछ मीटिंग्स को इधर उधर करके मैं उसको ध्यान सिखाता था ऐसा ही दो तीन हफ्ते के बाद उसने बोली कि कृष्णा आप यहाँ पे आके जयपुर में ध्यान सिखा सकते हैं हाँ मैं आऊँगा लेकिन एक को नहीं सिखाऊंगा एटलीस्ट दस पंद्रह लोगों को आप इकट्ठा कर कीजिए हम आके हम ध्यान सिखाएंगे तो ऐसा एक महीने हो गया वो अच्छे से प्लान की और बोले कि ठीक है कृष्णा जी आप आ जाओ और उस टाइम मैंने नया गाड़ी लिया फर्स्ट लॉन्ग ड्राइव था शास्त्री सर को उठाया घर से और हम दोनों निकल पड़े मॉर्निंग फाइव ओ क्लॉक तो टेन ओ क्लाक वहाँ पर गए थे वो अच्छे से हमको खाना खिलाया उसका घर तो बहुत बड़ा मारवाड़ी का घर था पूरा गोल्ड गोल्ड का ही दिख रहा था तो हम दोनों अच्छे से खाना होने के बाद ना ठीक है कृष्णा जी हम आके हम अभी चलेंगे हम ध्यान सिखाने देखा तो 200 लोगों को इकट्ठा की उसका पूरा फैमिली मेम्बर उसको बुलाई फिर उस टाइम स्वाति भी नहीं थी तो वो भी आई थी तो हम तीनों ने वहाँ पे ध्यान सिखा के फिर हम आ गए उसके बाद न हम एक बड़ा सा प्रोग्राम करना था पथरी सर का एक ऑडिटोरियम में उसको पचास हज़ार ऐसा रहा था तो वहाँ पे दिनेश कुकरेजा सर करके है और निहाल जैन सर के साथ साथ भी बहुत हमने वर्क किया निहाल जैन के सर साथ जाके वहाँ पे उसके घर में ही रुक के हम ज्ञान प्रचार करते थे लेकिन उस टाइम क्या हुआ है ना थोड़ा सा हम बड़ा करने का मन था अराउंड सम थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड लोगों का करने का था तो उसका जो मेडिटेशन हॉल में वो थोड़ा ही लोग बैठ पा रहे हैं तो हमने बड़ा था ऑडिटोरियम ले, लेने के लिए था और पचास हज़ार सिर्फ तीन घंटा के लिए हमको देने के लिए नहीं है तो आ, हम सोच रहे कि करना है या नहीं करना वन वीक की था कहाँ पे फिक्स करें वो करके था अच्छा ना वो दिनेश कुकरे सर कुकरे जी सर का फोन आया वो एक फिनेंशियर था वहाँ पर तो उसने पूछा क्या कृष्णा तुमने बोला कि हम प्रोग्राम है कहाँ पे है अभी तक एड्रेस नहीं आया अभी दस दिन भी नहीं है कैसे है ऐसे बोला तो सर थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क है ए, तो हम सोच रहे थे तो उसने बोला कि तुम आ जाओ मेरा ऑफिस में तो हम ऑफिस गए थे और पूछा था क्या क्या हुआ और उसका एक्सपीरियस भी शेयर हुआ बहुत अच्छे से एंजॉय किया लास्टली जो पूछ रहे लास्टली बोला कि क्या कृष्णा क्या है प्रॉब्लम मैंने बोला सर इसको ही पचास हज़ार हम देना है और पूरा प्रोग्राम के लिए और अच्छा भी होगा और सर का ट्रैवल का भी वो सभी देखना पड़ेगा तो इसीलिए हम थोड़ा सा लोगों को पूछ रहे हैं इसमें कृष्णा उसके बारे में बिल्कुल मत सोचना जितना भी ऑडिटोरियम का होगा मैं वो चेक में पूरा दे देता हूँ उसका आप नंबर बता देना मैं वो चेक निकाल के मैं आपको दे दूंगा ये मेरा जिम्मेदारी है और वहाँ पे जो प्रोग्राम के लिए जो भी चाहिए जो गिफ्ट चाहिए जो शॉल्स चाहिए सभी मेरे से स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड है करके बोला तो मुझे इतना खुशी आई मतलब सिर्फ दो घंटा का प्रोग्राम के लिए कोई पचास हज़ार डाल के ऐसा दे रहे तो वो मेरा और हमको और बूस्टअप हुआ उसके बाद हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने किए उसके बाद शास्त्री सर भी लास्ट सर का जो प्रोग्राम है हमने दीपशिका करके एक कॉलेज है वो उसका ऑडिट वहाँ पे ऑडिटोरियम में हमने किया उस टाइम मिनिस्टर्स भी आए थे और अभी ध्यान राजस्थान जो बहुत लोग जुड़ गए थे कोरोना के टाइम पे तो ऐसा बहुत सारी जो सर ने जो दिया वाला जो एक्सपीरियंसेस है उससे हम आगे 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 बढ़ते रहे आगे, आगे आगे बढ़ते गए तो ऐसा था जो सर जब भी एक्चुअली आके अगर कुछ बोला तो वो होना ही है होना ही है एक बार Uh, सर ने हम उस टाइम पे बहुत सारी सेहत वर्कशॉप्स किया है और तटवर्ती सर का भी प्रोग्राम्स कराया है और बहुत सारी प्रोग्राम्स कराए मैं एक्चुअली मेरा एक्चुअल एक्सपीरियंस है uh, पत्री मैडम और पत्री सर बैठे थे और मैं जाके पत्री मैडम को बोल रहा हूँ मैडम हमें ऐसा ऐसे किया है ऐसे ऐसे किया है करके मीनस जब भी मैडम से मिलते हैं ना हम थोड़ा सा ज़्यादा शेयर करते हैं जितना पत्री सर तो जो शेयर नहीं किया था जो ऐसा जो टूर के बारे में कैसा वर्क हो रहे है वो कभी कभी मैडम को हम बताते थे, थे क्योंकि हमको वो वो पाइमा जो फर्स्ट जो पाइमा जो शुरू हुआ उस टाइम से थोड़ा सा आदत है तो वो शेयर कर रहा था एकदम से सर उठ के बोल रहा है इसका उसका प्रोग्राम जो कर रहे हो तुम कब ध्यान सिखाओगे ऐसा करके डांट के चले गया मैंने सोचा कि अरे अभी तक लोगों का प्रोग्राम अरेंज करना ही हमारा काम, काम का। है तो अभी ध्यान भी सिखाना है करके तब से धीरे धीरे थोड़ा सा हिंदी भी ठीक करना शुरू किया लोगों को और थोड़ा सा अच्छे से ध्यान का सेशंस करना शुरू किया था तो अभी पौर्णिमा मेडिटेशन जो भी हो या छोटे मोटे जहाँ पे भी आ, लास्ट वीक भी एक स्कूल में जाके मतलब गुड़गांव से सम थ्री फोर आवर्स का जर्नी है इंटरनल हरियाणा में वहाँ पे जाके आ, दादरी चक्री करके एक प्लेस है उसके आगे भी एक छोटा सा विलेज में अराउंड सम सेवन हंड्रेड एट हंड्रेड बच्चों को ध्यान सिखा के आया है तो Uh, now ही has पुट मी into. पहले हम ध्यान प्रचार बहुत किया है जब सर है तब अभी ये जब उसको पता है वो नहीं रह रहे इसलिए उसे वन ईयर टू ईयर पहले से ही मुझे पुश कर रहा था ध्यान सिखाना है आगे करके तो ये एक एक्सपीरियंस है जो पत्री सर के साथ और बहुत सर uh, अगर आ रहा था ना मैं एक लिस्ट में लिख लिखता था, था हर टाइम पे सर से ये पूछना है ये पूछना है ये पूछना है ये पूछना है पहले आता था मैं फर्स्ट क्योंकि पत्री सर आया था हमको पहले से ही पता है मैं एयरपोर्ट से प्लान करता था सर के साथ ये सभी बोलने लेकिन जब पहले ऐसे सर को देखा ये सभी बोल जाता था भी बहुत बार बोलती थी अरे तू पूछा नहीं सर से है नहीं पूछा मतलब वो पूछने का जरूरत ही नहीं पड़ा जिंदगी में जो आंसर जब... अपने आप अप मिल जाता राइट right. सोचता था सर ये करने, ये करने। लेकिन सर से मिलने के बाद ना हर चीज का आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाता था इसलिए और पूछने का कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी एक और बहुत खास बात है जो हमें अभी तक पता है जब भी सर आते थे दिल्ली में और सर के साथ आप हमेशा वो कितने दिन भी रहते थे ज्यादातर रात को आप सर के साथ रहते थे तो ये जो रात को आप सर के साथ रहते थे आपका उसमें कोई खास अनुभव हो तो हम उसके बारे में भी जानना चाहेंगे मैं कभी किसी का पेयर कभी नहीं छुआ और कभी किसी को सेवा भी नहीं किया मतलब बचपन में मैं जितना सॉफ्ट था लेकिन वो थोड़ा सा है लेकिन जब से सर से मिला है ना सर बोलते है कि किसी का पैर मत पढ़ना पहले वहीं पे फ्लैट हो गया और वो इतना अच्छा प्यार से बात करते हैं ना और उसे और अच्छा हम सर को देखने में था हम क्या है ना मॉर्निंग के टाइम पे जहाँ पे भी प्रोग्राम है वो प्रोग्राम अरेंजमेंट्स में रहते थे और सुबह से शाम तक ना सर तक जाते थे और रात को पहले वो पैर दबाओ ऐसा करके पूछता भी नहीं था लेकिन जब थोड़ा सा एज बढ़ते जा रहा था तो थोड़ा सा पैर दबाने के लिए हुआ लेकिन उस टाइम पे कौन होता है अगर रात में है तो लड़का ही हम लड़के ही हो, हे, 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 रह के देखता था अगर मैंने देखा एक दो बार पैर दबा के रात को टाइम पे जब दबा रहा था वो अच्छा सो रहा था जब नहीं दबा रहा था वो हिल रहा था तो मैंने सोचा कि ठीक है पैर दबाएंगे करके पूरा रात भर मतलब अगर सर इलेवन ओ क्लॉक सो रहा तो मॉर्निंग फाइव सिक्स ओ क्लॉक उठने तक भी मैंने ऐसा पैर दबाया पैर दबाया और पथरी सर आ रहे तो मैं और ज्यादा ध्यान करता था क्योंकि ऐसा मैं रात भर बैठ के उसको पैर दबाए तो आपका जैसे रात भर आप पैर दबाते थे हाँ। मेरा पूछने का अभिराय ये अभिप्राय यही है कि जैसे आप एक युग पुरुष के बिल्कुल ऊर्जा के बीच में ही होते थे right. तो उस समय आपका कुछ अनुभव होता था बहुत सारी क्वेश्चंस को मैं उधर से ही आंसर लेता था <laughs> जब फेर दबाने के टाइम पे अच्छा ये क्वेश्चन है वो वो ऐसा जो होता है कि मैं ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सर दे रहा है ऐसा नहीं है मैं ऐसा जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और मैं ही मेरा क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर रहा हूँ hmm. वो प्रोसेस हो जाता और सर जब हम, सो, हम, सो, हम सोचते थे कि सर सो रहे लेकिन सर सर बहुत अच्छे से नींद हुआ सोया ही नहीं मैं ऐसा <laughs> करके बोलता था तब मुझे समझ में आता कि सर, कुछ वर्क कर रहे थे ऐसा। hmm. लेकिन वो सोने का जो तरीका है वो इतना अच्छा से अगर हम सोए तो पूरा का पूरा बेड इधर से उधर बिस्तर खराब होना नहीं तो बहुत बार इधर पलटना उधर पलटना ये सभी करता था लेकिन सर अगर एक टाइम सो गया एक पोस्चर में ऐसे सोया तो वैसा ही सोता था और बहुत ही मतलब वो पूरा रात सर को पैर दबाने के बाद भी ना सुबह नींद नहीं आता था, था। हाँ, आपके पास ऊर्जा बनी रहती थी हाँ क्योंकि आप उनके उसके बिल्कुल क्षेत्र के अंदर थे तो आपको भी अपने और अपने हमको देखते ही ना सर को बहुत खुश हो जाता हाँ अच्छा ये आ गया कृष्णा आ गया तो आप हाँ, मैं रात भर अच्छे से आराम से आराम से सो, सकता हूं। सो सकता हूं। एक बार क्या हुआ जब अर्पिता पैदा हुई तो मैंने एक बार सारा आया था उस टाइम नहीं आया मैंने क्योंकि वो अर्पिता को केयर करना था और मुझे बच्चों को केयर करना बहुत इतना नहीं आता है तो पल्लवी को भी इतनी आदत नहीं है तो सारा आ गया तो उस टाइम पे बाकी बाकी भी है ऐसा शुभम भी रहता था ऐसा बाकी हमारे और, भी भी। और लोगों का भी टीम भी बनाया मैंने जो सर के साथ रुक के जो सर को टेक करे ठीक है वो लोग देख लेगा करके मैंने नहीं आया था तो उसके बाद जब मिला नेक्स्ट ट्रिप में एक मंजू करके थे जो सर के साथ रहता था वो भी आया था जो हिमालय ट्रिप में तो वो मुझे अना करके बुलाता था तो उस टाइम पे क्या बोला है जो हमारा जो में ऊपर पे जो पिरामिड है ना उसमें नीचे सर सर अपना काम कर रहा था और मंजू को बोला कि मंजू तुम्हारा तुम जाके ऊपर तुम्हारा एक्सपीरियंस शेयर कर दो और सर ने न, कभी भी किसी का एक्सपीरियंस सुनने को नहीं बोला है मुझे भी बोला है कृष्णा तुम भी जाओ तुम भी जाके सुनो ऐसा करके बोला था वो मंजू इतना इतना जो क्या भैया मेरा एक्सपीरियंसेस आपको मैं क्या सुनाऊ ऐसा करके फिर हम गया और वो उसका उसका एक्सपीरियंसेस बोल रहा था उस एक्सपीरियंस में उसने ऐसा बोला कि उसका भी शादी हुआ है लेकिन शादी होने के बाद तुरंत एक कुछ प्रोग्राम में जाना था वो उसका वाइफ को छोड़ के वो पत्री, पत्री सर के साथी थे तो वो पॉइंट मुझे समझना है करके पत्री सर मुझे भेजा है और तब मुझे समझ में आया कि अच्छा सर ने ये बोल रहा है कि जब भी मैं आता हूँ मुझे छोड़ना ही नहीं है मेरे पास आना ही आना 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 ही ही इसलिए कभी भी अगर कोई है है तो ठीक है। अगर नहीं है तो मैं जरूर था और ऐसा थॉट था, था उसके बाद मैंने उसके बाद मैंने ऐसा सोचा कि ऐसा नहीं है यार अगर सर आया तो हम रहना ही रहने वो उस प्रस में में रहना ही रह, रहना ही नहीं रहे क्या है ना उस टाइम पे कभी कभी सर को सोने के टाइम पे कुछ कुछ पूछता था वो अगर हम हैं तो ना इमीडिएटली समझ में आता था जैसा लास्ट टाइम दिल्ली आए थे जो उसका लास्ट विजिट है रात को दो बजे उठे उठ के बाकी दो बच्चे अंदर पैर रहा था सर ने उठ के कुछ पूछ रहा था उस लोगों को समझ में नहीं आया तो मुझे बुलाया भैया सर कुछ बोल रहे मैंने जाया गया अंदर सर क्या चाहिए ऐसा बोला तो ऐसा ऐसा कर रहा था ये जो मौना में है ऐसा जो इंडिकेशंस में है हम हमारा दिमाग हमारा इसमें चलता है अगर हम रेगुलरली नहीं रहा ना कुछ चीजें समझ में नहीं आता सोचा क्या है क्या पूछ रहा था सर ने ऐसा ऐसा मतलब क्या है करके सर क्या चाहिए ऐसा करके पूछ तब मुझे याद आया कि उसे पहले दिन है ना रात को दो बजे के टाइम पे दूध में कॉन दिया था सर को और वो कान को ऐसा करने के लिए वो ऐसे ऐसे कर रहा था सर कौन चाहिए ऐसे बोला था हाँ कृष्ण ऐसा बोल मतलब मुझे इतना अच्छा लगा मीन सर ने जो ऐसा कुछ एक्शन किया वो हम रिसीव करके उसके वो अटेंड कर रहे तो वो अवेयरनेस मुझे ध्यान में जितना भी एक्सपीरियंसेस आता है ना उससे बहुत ये अच्छा लगता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है आपके राइट मीन्स हमको कितना एक्सपीरियंस है क्या है कैसे सिखाते हैं उन्होंने मौन की भाषा से ही हम सबको भी सिखाना चाहा एक साल तक वो मौन रहे और एक साल तक जब मौन है उस टाइम पे दिल्ली बहुत बार आए थे और हर टाइम जो सर ने मॉर्निंग के टाइम पे ठीक है उसको एक बुक दे देते थे सर पेन लिखो करके बोलते थे लेकिन रात को टाइम पे कहां पे अंधेरे में बुक दे दू और पेन दे दूं तो उस टाइम पे जो सर पूछते थे उसको बहुत अच्छे से हमको पता होता है और वो वो भी वो भी सिखाया उन्होंने हमें कि किस तरीके से हम इशारों के माध्यम right. हम कितने exactly. कि आंखों के माध्यम से भी हम बहुत कुछ समझ सकते हैं हैं और और सीख सकते right. और ये ऐसा था और मुझे ना जैसा पैर अगर पैर दबाना है सिर्फ पतरी सर का ही था मतलब ऐसा था उस उस चीज को भी सर ने बहुत अच्छे से रिलीज किया एक बार एन एस जी का जो सत्या ब्रिगेडियर सर है वो आया है हम वहां पे एन एस जी में प्रोग्राम करके आए थे पता नहीं वो बहुत है सर आ, सर ऐसा बेड में थे और ब्रिगेडियर सर को भी साइड में बिठाया तो मैं पैत्री सर का पैर दबा रहा था तो ऐसा देखा कृष्णा सत्या सर को भी पैर दबाओ मैंने सोचा अरे क्या है ये अभी <laughs> ऐसे करके लेकिन Uh, सत्य सर बोला कि नहीं 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 सर नहीं सर सच्चा जी मुझे पता है आपको पेड़ दर्द हो रहा है ना कृष्णा दबाएगा ऐसे करके बोला था और सर ने ऐसा जैसा सर ऐसा जो पीछे पिल्लो ऐसा सत्य सर भी बैठे है तो मैं उसका भी पेड़ दबा रहा था यहाँ पे पत्री सर का जो पेड़ दबा रहा था वैसा ही सेम फीलिंग सत्य सर को दबाने के टाइम पे था लेकिन उस टाइम पे मेरा अंदर वो जो है ना द्वंद चल रहा था कि मैंने था। तो किसी मैंने किसी हाँ। और के नहीं दबाने लेकिन वो उसके बाद किसी और का दबाने का कभी बोला भी नहीं है तो आपका एक जो ब्लॉक था उन्होंने इस माध्यम से निकाल दिया राइट उसमें मैंने उस दिन पत्री सर का कॉन्शियस को मैंने एक्सपीरियंस किया है और उसके बाद जो फर्स्ट महिला ध्यान चक्रा जो हो रहा था उस टाइम पत्री सर से मिलने गए थे इधर ही करताल में और पत्री मैडम बैठी कभी मैंने मैडम को ऐसा नॉर्मली ऐसा नमस्ते करता था ऐसा करता था लेकिन उस दिन उधर पैर उसका पैर के वही पे बैठा और उसका पैर को ऐसा पकड़ा और उस पैर को दबाना लगा तो उस टाइम पे भी मैंने ये सोचा और उस टाइम ऑटोमेटिकली ऐसे मेरा आंख बंद हो गए और मुझे वहां पे पत्री मैडम दिखे नहीं मुझे पत्री सर ही दिखे थे और वो उस दिन का जो मैडम का जो पेज है इतना सॉफ्ट इतना जो कोमल ऐसा जो होता है उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब मैं जाके नेक्स्ट ईयर जब दिल्ली आई तभी मैंने ऐसा होगा करके देखा था लेकिन उस टाइम पे जो कॉन्शियसनेस का जो चीज है वो नेक्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया नहीं किया इट्स इट हैपेंड इन द फर्स्ट ध्यान महा mm -hmm. uh, महिला ध्यान महाचक्र अभी कृष्णा जी हम जानना चाहते हैं कि आपने एक तो सबसे पहली बुक कौन सी पढ़ी उससे पहले कल का भी एक्सपीरियंस था जब मैं यहाँ पे आया हूं वो शक्ति स्थल में गया था जाते ही मैंने जहां पे उसका पैर है मेरा हाथ वैसे ऐसे जिस सर को पैर दबाया जैसा ही गया है तो और वो जो बोलते हैं ना तेलुगु में एक है ब्रह्मा कड़ी गिना पादालू करके बोलते हैं मतलब ब्रह्मा ने विष्णु का पैर को साफ किया है वो एक स्टोरी है मतलब वो इतना पवित्र है करके है तो सर का जो पैर दबाना मतलब हमारे लिए उतना ही था बहुत अच्छा आपने क्या सर के साथ अंतिम समय में भी एक्सपीरियंस किया क्या आप यहाँ थे हाँ वो पहले उसके बाद हम पुस्तक के बात करेंगे हाँ, पहले सर के जब सर का जब हो रहा था उससे पहले दिन आ, आ, किसी ने एक तनुज ता, है जो हमारा जो आइंस्टाइनर है अभी जो पिरामिड बहुत अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर रहा था जो नॉर्थ इंडिया में बहुत पिरामिड किया है वो दिल्ली में पिरामिड कंस्ट्रक्ट कर रहा था उस टाइम उसने यहाँ पे आए थे तो उसने मुझे कॉल करके बोला अरे सर का तबीयत ठीक नहीं है तो सर आप आपको पता है क्या नहीं तनोज नहीं है रविंदर है जो हमारा पीएमसी में जॉब किया था ना एक साल वहां पे पीएमसी हिंदी तो वो मुझे बहुत टाइम से वो मुझे पता है वो मुझे कॉल किया अराउंड नाइन थर्टी ऐसा क्या ना आप आ रहे हो क्या सर का तबियत ठीक नहीं है ऐसा करके कॉल किया था मैंने सोचा कि अरे वो लास्ट वन दो अरे ये लोग ना क्रेजी हो गया जब भी सर को थोड़ा तबीयत नहीं ठीक नहीं है तो उसको ऊपर ही भेजने के लिए ये लोग पहले से ही बना के रखा है, है। पहले बैंगलोर में भी बोला था अभी हैदराबाद में ही बोल रहे ऐसा करके मैंने सोचा तो उसके बाद मैंने किसी और का कॉल किया था एक नरेंद्र असूरी नरेंद्र जी है।, है उसको कॉल किया था क्या सर कहाँ पे आप क्या है सिचुएशन क्या है मैंने ये सुनने में आया ऐसा करके कृष्णा सीरियस तो है अगर आप आना है तो आ जाओ ठीक है मैंने बोला ठीक है कल मॉर्निंग में कॉल करूंगा अगर है तो मैं कल मॉर्निंग करके आ जाऊंगा फिर अराउंड उसने कॉल किया कृष्णा एट द लास्ट मोमेंट आप लोग निकल के आ जाओ फिर तुरंत मैंने पहले हमने सोचा कौन आएगा पलवी आएगी ये मैं आऊंगा या कोई आएगा मतलब हमारे अंदर वो नहीं कि मींस वो विकेट करेगा ये लोग ऐसे ही बोलते रहते उसको बिठा के भेजने वाला है लोग ऐसा करके गुस्सा होता था ठीक है पलवी ने बोली कि मीन्स इस साल मैंने सर से मिला नहीं है तो हम मिल के आएंगे सो तो अर्पिता को घर में ही रखा था और मतलब और कोई फ्रेंड है उसके पास रखा और हम दोनों मॉर्निंग आ गए आने के बाद सर से मिला और पलवी भी हम दोनों सीधा आए थे सर से मिले हैं उस टाइम सर सर को सभी दूध पिला रहा था मैंने सोचा थोड़ा सा अवेयरनेस में है ठीक है वो ठीक हो जाएगा वो इसमें इस इतना क्या है ये लोग इतना क्रेजिली होके जो बोला कि मतलब इट्स लास्ट सभी वो माधवी भी सभी बोल रहा था कृष्णा ये मेडिकल टर्म्स में ऐसा होता है लेकिन मेरा अंदर जो है सर ने हर बार बोलता था कि मैं टू तक रहूंगा तो मैंने सोचा वन ट्वेंटी ईयर्स में मेरा इतना है नहीं है लेकिन और दस साल तो होगा ही होगा टू थाउजेंड थर्टी से पहले सर नहीं जाएगा करके मुझे बहुत कॉन्फिडेंट था और सर से मिला और सर से मिलने के बाद पल्लवी भी बहुत अच्छे से सर से बात की और सर ने बहुत अच्छे से रिसीव किया था और अर्पिता एक ही थी तो उसने बोला अरे देखो सर अच्छा ही है ये लोग ऐसा ही ऐसा ही बोलते करके पल्लवी भी बोली कि ठीक है मैं चले जाऊँगा अर्पिता एक ही है तो तुम, तुम रुकोगी क्या बोला था हाँ मैं दो तीन दिन रुकूंगा ये भी इतना भाग भाग के आए हैं सैटरडे संडे भी है और एक दो दिन रुक के मैं आ करके मैंने रुक गए थे और उसके बाद सभी लोग आ रहे मिल रहे थे और नेक्स्ट डे संडे आफ्टरनून टू ओ को खाना खा रहे थे श्रीनिवास अब सभी लोग आए थे दिल्ली से श्रीनिवास सर भी आए थे और सर ने कॉल किया कि सर का अभी सही नहीं है करके तो खाना उधर छोड़ के आ गया था आ, दो बजे हम सभी स्वाति ये सभी हमारा ग्रुप भी आए थे वो सभी वापस भी चले चले जा रहा था रन फोर ओ क्लॉक फाइव ओ सभी ने बोला कि मीन्स अभी सर का चीज ऐसा है और हो और फाइव ओ के बाद पता चला कि मीन्स ही इज नो मोर लेकिन फिर भी मेरे अंदर ऐसा वो नहीं नहीं था। नहीं था। आ, आई नहीं रही थी किसी को भी ठीक है गया है और सभी अंदर पूरा सभी मेन मेन लोग है तो मैंने सोचा अभी मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि सर को मैं वैसा देख भी नहीं पा रहा था और उसे, उसी दिन, ओ से, वन ओ क्लॉक था अंदर रूम में गए थे और सर का पैर दबाया था सर बैठ के कुर्सी पे बिठा बैठे थे बैठ हाँ, कुर्सी पे बिठा के कुर्सी पे बिठाया था तो उस टाइम पे मैंने सर का पैर भी दबाया आवर स्पेंड भी किया था अंदर में मुझे अच्छा लग रहा था और जब ये फाइव ओ क्लॉक के बाद ये जब बात सुनी ठीक है अब माइंड में कुछ नहीं था माइंड में कुछ है ही नहीं था है या नहीं है लेकिन उसके धीरे इधर उधर सभी लोगों से मिल रहा था सभी लोगों को थोड़ा सा नहीं है ठीक है सर उसका भी इच्छा है तो हम रेस्पेक्ट करना है ऐसा करके जो भाषण दे रहा था तो आ, उसके बाद सेवन ओ क्लॉक अन्नदान में गए थे ऐसा प्लेस पकड़ा और पकड़ने के टाइम पे ऐसा क्योंकि जब भी हम ध्यान महाचक्र में आते थे या करताल में मेनली करताल के टाइम ही आते थे और वहां पे फ्लाइट से उतरने के बाद रूम में बैग्स रखा हम देखते हैं कि पत्रिसर कहाँ पे है वो हम हम मेनली फाइंड आउट करते हैं कि पत्रिसर अन्नदान में है तो हम बाग बाग के प्लेट्स लेके पत्री सर जहाँ पे जो सर्व कर रहा था वहां पे जाके सर हम आ गया करके आ, बोलना था और सर बोले अच्छा आ गया कृष्णा आया बल ऐसा हमारा पूरा टीम को ऐसा विश करता था तो वो विश के लिए हम तड़प रहे थे और उसका हाथ से खाना खाने के बाद हम फिर रूम में जाते थे और उसके बाद रात को सर के साथ रुकना सभी करते थे तो मुझे वहां पे प्लेट लिया वो बंदा जो प्लेट डाल रहा था वहां पे मैंने पथरी सर का ये हाथ ऐसा मेरा इसमें डालते हुए देखा मैं इतना ध्यान भी नहीं दिया फिर मैंने ऐसा उठा के नेक्स्ट टाइम ध्यान महाचक्र आए तो पथरी सर नहीं होगा हमको आ, आ, खिलाने के लिए करके ऐसा बोला मेरा आंसू आंखों से ना आंसू एकदम से आ गया और मैं रोक भी नहीं पाया वो कभी भी हमारे फैमिली में कोई आ, ऐसा डेथ हुई है बॉडी वेकेट किया है हम कभी रोया नहीं है हम सभी उस टाइम पे ना पूरा जो डेथ के बारे में हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर करते थे और इको ऑफ द सोल्स करके एक बुक पढ़ा था उसमें इको ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि मीन्स बॉडी कैसा जाती है और वहां एक डिफरेंट वोल्स क्या होता है मास्टर्स कैसे आता है तो करोना के टाइम पे बहुत मेरे रिलेटिव को आप लोग कैसे है कभी नहीं पूछा और उन लोगों को ना मैं ये सभी कॉन्सेप्ट बता रहा था और रामपा का थ्री लाइव ए बुक है मैं सभी लोगों को उस बुक के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करता था तो जब सर जब वो खाना खा रहे थे वो एकदम से जब वो चीज आई जब वो नहीं आएगा सर करके तो बहुत इतना में ब्रेक हो गया वो डैम ब्रेक हो गया था इतना रोया हूँ मैं कभी जिंदगी में इतना रोया भी नहीं।, नहीं मतलब रोना मतलब मेरे लिए अरे हम मर्द है, हम क्यों रोना है ऐसा करके है लेकिन थोड़ा बहुत ओशो का जो बुक्स पढ़ने के बाद न रोने से आंख आंखें अच्छे रहता है इसलिए लेडीज का आंखें अच्छे रहता है करके वो बोलता था तो लेकिन कभी इतना नहीं था नहीं। तो उसके बाद क्या हो गया वो हम लंच खाया थोड़ा लेट करके फिर हम इधर उधर घूम रहा था इसी प्रेमिस में और नाइट टू ओ क्लॉक नाइट वन थर्टी टू ओ क्लॉक ऐसा वहां पे कोई नहीं था जो खाली था हम सीधा सा, जाके सर को देख सकते थे उस टाइम सर को वो बॉक्स में भी रखा है तो ऐसा मैं, मैं ऐसा अंदर गया हूँ और अंदर से वो बॉक्स से सर का हाथ ऐसा आया और ऐसा पेट में ऐसे ऐसा ऐसा किया कृष्णा खाना अच्छे से खाया हो ऐसा करके पूछा था फिर आंखों से इतना फिर फिर से आ, से रोना शुरू आ, मतलब जो वो एक्सपीरियंस है जो अंदर मतलब वो वो बॉक्स है हाथ बाहर आके ऐसा अभी बुक आ, आकल तीरिंदा ऐसा करके तेलुगु में पूछता है मतलब बुक पूरी गई संतुष्टि हो गई गया क्या संतुष्ट ऐसा करके तब मैंने तब मुझे लगा कि हाँ सर अभी नहीं है फिजिकल बॉडी में नहीं बट ही इज विथ मी और उसका नेक्स्ट दिन क्या हुआ हम वो दो बजे थे हम फिर से रूम में गए थे हम सो गए और सुबह उठे थे और सर तब तक सर को वहाँ पे स्टेज में लेके रखा है और इस बार मैंने क्या किया था मैं सभी वेंकट रेड्डी ये सभी एक ग्रुप है जो सर को जो देखभाल करता है उन्हीं लोगों के साथ रुका हूँ और जो वो सभी लोग भी इतना इमोशंस थे इमोशन में है सर नहीं है ऐसे ऐसे करके तो वहाँ पे रेडी होकर उधर जाना था तो कुछ लोग एक दो वच, एक दो बच्चे ने क्या किया था सर का रूम में जाके सर का कपड़ा लेके आए तो उसमें एक ड्रेस है सर का वो मुझे दिया ए कृष्णा ने भी दे दो ऐसा करके लेकिन उसका जो साइज पहले जो था वो मुझे फिट होता था लेकिन वो जो दिया है वो बाद में सर बहुत पतले हो गए थे तो मैंने बोला अरे ये मुझे भी नहीं बिठेगा मेरे पास मेरा और वो पहनूंगा तो सभी ने सर का याद रखेंगे करके तो वो पहन लिया और मैं मेरा पहना घर जाने के बाद पत्री सर जब भी आते थे हमारे घर में कुछ कपड़े आ, रखते थे लेकिन आ, उसके बाद ना लास्ट एक दो साल से इतना हम गुड़गांव में प्रोग्राम्स नहीं कर रहे थे तो हमने वो पूरा कपड़ा तो सर सर को को जो को दे, दे दे दिया लेकिन ये एक शर्ट है जो गया नहीं पता नहीं ये हमारे पास क्यों है कैसे है लेकिन जब मैं पहना है ना इट्स द परफेक्ट फिट तो उस टाइम जो सर का जो क्रिमेशन उस टाइम पे जो मैं मुझे जो नहीं मिला है वो सर मेरे लिए पर पर छोड़ दिया ही छोड़े है, छोड़ा है सच में त, तब से जब भी ये पहनता हूं ना वो दिन कुछ स्पेशल होता है कृष्णा जी आज का दिन भी बहुत स्पेशल है आ, स्पेशल तो स्पेशल ही है कि हम उनकी याद से उन्होंने जो हमें दिया हम उसको याद कर रहे हैं oh. और वो अपनी व्यापकता को हमारे साथ जोड़ गए कि वो एक एक पिरामिड मास्टर के अंदर हैं वो करताल में एक एक कन में व्यापक है आज भी right. है और जो आपको अनुभव हुआ वो आपके आप इमोशंस थे अंदर के जो बाहर निकले हर कोई यहाँ पे जो भी था क्योंकि हम भी थे तो बहुत अच्छा right. अच्छा माइंड से रिलैक्स भी फील एक दुखीपन जो आता है ना जब एक मृत्यु के लिए होता है बट पति सर जाते जाते भी हमें एक लेसन दे गए कि जो वो बोलते थे कि मृत्यु कोई चीज़ नहीं है सिर्फ एक चोला चेंज करना है उन्होंने इस चोले को यहाँ पे छोड़ दिया और वो आगे बढ़ गए तो हम हमेशा उनकी जो सिखाई हुई हमें बातें हैं उन्होंने जीवन में हमें जो दिया है हम उसको हमेशा याद रखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे हाँ sure, sure. उन्हीं के दिखाए हुए जो अठारह प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर हम चलेंगे उनके दिखाए हुए मार्ग पे हम चलकर आगे पूरे संसार को वो जो ध्यान जगत बनाना चाहते थे तो हम सब मिलकर जरूर बनाएंगे right, right. तो कृष्णा जी अभी हम अपने दर्शकों के लिए आपसे एक अंतिम संदेश चाहते हैं कि आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे सभी दर्शकों को एक ही चीज है हम सभी पीएसएसएम का मेंबर्स हैं हर एक अपना अपना काम उठाया कुछ लोग पीएमसी में कर रहे हैं कुछ लोग गाँव में जाके ध्यान प्रचार कर रहे हैं कुछ लोग ब्रुक्स कर रहे थे कुछ बच्चे लोग अपने तरीके में स्कूल्स में जाके अपने तरीके में जो ध्यान सिखा रहे हैं सभी का जो सोर्स है जो सर ने जो बताया हुआ ये ध्यान है जैसा ओशो ने वन ऑट फाइव मेथड्स ऑफ मेडिटेशन को बताया था सर ने उसे भी और सरलता में एक ही है आना पाना सती ध्यान करके जो सिखाया है सो so, सभी लोग आना पाना सती ध्यान को सीख लीजिए और अपने अपने जो किसी और का कंपटीशन नहीं है सिर्फ आप लोग आप कितना ग्रो हो रहे हो सिर्फ वही देख लीजिए अगर आप हाथी हो आप भाग नहीं सकते हो लेकिन आप बहुत वेट को उठा सकते हो अगर आप घोड़े हो वेट नहीं उठा सकते हो लेकिन बहुत अच्छे से भाग सकते हो अगर ये चीज अगर आपके बारे में अगर आपको जितना पता है तब आप किसी से कंपेयर नहीं करोगे अगर कुछ लोग वहां पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से ध्यान कर रहे हैं उन लोगों का अगर आपको अगर आपको खाना खिला सकते हो फिर मतलब आप भी एक मास्टर हो तो हम इस पी एस एस एम सर ने सबको अपना अपना स्ट्रेंग दिखाया कभी दूसरों का स्ट्रेंग मुझे नहीं दिखाया मेरा जो है किसी और को नहीं दिखाया तो सर ने बोला कि यू क्रिएट योर ओन रियालिटी और आप स्वयं हो स्वयं ही भगवान है और ये सब याद रखो कि आपका बाजू वाला भी भगवान है सभी लोग आपका अंदर जो गॉडलीनेस को रेस्पेक्ट कर रहे हैं मतलब आप दूसरा लोगों का जो गॉडलीनेस को आप अंडरस्टैंड कर रहे हो और आप उसको उतना ही रेस्पेक्ट दे रहे हो चीजें हम बोलते हैं बोलने की जरूरत नहीं है सिर्फ ध्यान किया तो वो वन्ने वो जाता है। अपने आप आएगा ही अपने आप समय पे आ जाएगा इसलिए तो बहुत अच्छा कृष्णा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक यू मैम दोस्तों इतना कुछ सीखा है कि कुछ शब्द नहीं है मेरे पास पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप कुछ भी हैं आप ध्यान करिए स्वाध्याय करिए और जो पति जी के बताए हुए प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर चलिए हम सब अलग अलग हैं परंतु जुड़े हुए एक ही के साथ हैं तो अपने अपने कार्य करते हुए एक ही वृक्ष के नीचे बैठकर उसी को ही फैलाएंगे उसी का ही प्रचार प्रसार करेंगे तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ और नए पिरामिड मास्टर की यात्रा को सुनने के लिए तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक यू